Hello and welcome back to the channel, everyone. मेरा नाम है मानशु. आप देख रहे हो Power House Effect. Let's talk cinema. तुम पर हम हैं अटके यारा, तू बीमार है झटके. कृपया ध्यान दे, दिमाग मत लगाना क्योंकि इनमें है नहीं. तो पागलपंती का ट्रेलर आ चुका है, कुछ दिन पहले आ गया था लेकिन नहीं मिला टाइम, लेकिन आज मिला है तो कर देते हैं पागलपंती का ट्रेलर रिएक्शन. मैंने अभी तक नहीं देखा, अगर आपने भी नहीं देखा है तो मेरे साथ देख लीजिएगा, और देख लिया है तो फिर मेरा ओपिनियन और रिएक्शन देख लेना. बहुत बड़ी स्टार कास्ट है तो हम उसको ट्रेलर के बाद डिस्कस करते हैं. अनीस बाजमी डायरेक्ट कर रहे हैं, तो पहले ट्रेलर देखते हैं फिर बात करते हैं. कृपया ध्यान दे, दिमाग मत लगाना क्योंकि इनमें है नहीं. मुझे लगा था पिछली बार की तरह पानी में उल्टा लगाएंगे. बहुत गलत है. वो इसके पैसे अपने बैंक में न रखे और आपने इसे बैंक में रख लिया. सनी महाराज इसके पीछे नहीं पड़े हैं, पल्कित की गोद में बैठे मुस्कुरा रहे हैं. भयंकर साढ़े साथी शुरू हो गई है. पांडित जी, हम लोग साइंस में मानते हैं, नॉन साइंस में नहीं. दिमाग तुम न लगाना क्योंकि हम में ये है. तुम हमारी बेटी को क्या कह के बुलाओगे? बहन, मैं यहाँ बैठे बैठे देख सकता हूँ कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी के चमक से कौन सी चटनी चटाई. चंदू की कोई चाची या चाचा नहीं है. चंदू कभी चांदनी चौक गया ही नहीं. नहीं गया ना? ना, इन्हीं को क्या लेंगे? पैसे. मुझे अपने सारे पैसे वापस चाहिए अभी के अभी. हम सब करोड़पति बन सकते हैं. अरे पागलो. ये आपके यहाँ जो ऐसी मौत मरते हैं उनको शहीद कहते हैं? आगे हमारे यहाँ इसे कुत्ते की मौत मरना कहते हैं. इसके मासूम चेहरे को देखो, कितनी अभागी, कितनी असहाय, कितनी अबला है लड़की. मेरे पप्पा का फेवरेट सॉन्ग मालूम क्या था? तुम पर हम हैं अटके यारा, तू बीमार है झटके. हमारे यहाँ तो ब्लास्ट होते ही रहते हैं. इस मतलबी दुनिया में अगर कोई बेमतलब की बात बोल जाए तो उस बेमतलबी बात का भी बहुत बड़ा मतलब होता है. और तुम जैसे मतलबी इंसान के साथ रहने का ये मतलब है कि सारी दुनिया का मतलब समझ में आ जाता है. क्या बोला यार? जीजा साले ना आपस में लंगूट भी बदल लेते. हम सारे बड़े क्रेजी यारो. अबे अपनी मस्ती में भूल गए हो, किस हस्ती से बात कर रहे हो? हस्ती हस्ती और तू तू खोलते तेल में जिंदा फ्राई करवा दूंगा मैं. चुप है हलवाई. ये पागलपंती, ये पागलपंती. सबसे पहले नोट डाउन कर लो, अमेज़न प्राइम वीडियो पे आएगी, ट्रेलर के बाद दिखाना. ओके, तो पागलपंती में सबसे पहले डिस्क्लेमर दे दिया गया है कि इस बिल्कुल दिमाग मत लगाना क्योंकि इन लोगों में नहीं है, एक्चुअली नहीं है. क्योंकि मूवी में दिमाग लगाने लायक कुछ भी नहीं दिखा मुझे, बस एंटरटेनमेंट है, थोड़ा बहुत हंसाएंगे. आप लोगों को कैसा लगा ट्रेलर ये आप ज़रूर बताना कॉमेंट सेक्शन में. मुझे अच्छा लगा है क्योंकि अनीस बाजमी जो है वो कॉमेडी जॉनर को ज़्यादा पकड़ के रखते हैं. जो हाल ही में उनकी मूवीज आई हैं उसमें कॉमेडी ज़्यादा होती है, थोड़ा बहुत एक्शन होता है. वेलकम का म्यूजिक लगा मुझे, जो पागलपंती का म्यूजिक है वो वेलकम से इंस्पायर्ड लगा, और सेम डायरेक्टर हैं तो रख भी सकते हैं, सेम और टी सीरीज भी है. पागलपंती के स्टेक्स बहुत आए हैं क्योंकि जॉन अब्राहम, अनिल कपूर, अरशद वारसी, पुलकित सम्राट, कीर्ति खरबंडा, इलियाना और उर्वशी हैं, सौरभ शुक्ला हैं, तो बहुत बड़ी स्टार कास्ट है. डायरेक्टर भी पागल है पूरा अनीस बाजमी, मतलब उस सेंस में नहीं, डायरेक्शन के सेंस में. ऐसी मूवीज कौन बनाता है यार. मुझे ये ट्रेलर अच्छा लगा है, ओवरऑल इतना ज़्यादा नहीं बट हाँ अच्छा तो लगा है. मूवी फन होगी, पूरा एंटरटेनमेंट होगा 22 नवंबर को. कुछ कॉमेडी सीन्स अच्छे हैं सच में,
कुछ चीजें आप बस इग्नोर कर दोगे कि आपको दिमाग में सिर्फ एक चीज रखनी है कि ये दिमाग वाली मूवी है ही नहीं। दिमाग घर छोड़ के जाओ और मूवी एंजॉय करके आओ, मस्त पॉपकॉर्न कोला खाओ, ऐसी वाली मूवी है। और ये ऐसी मूवीज कम आती है, अच्छा है, एंटरटेनमेंट मूवीज आनी चाहिए। क्या है कि हमेशा सिनेमा वाली बहुत अच्छी रियल कहानी बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी बहुत सारी आती हैं, कुछ मूवीज ऐसी आ जाए तो अच्छा लगता है। मुबारक आई थी बीच में और रेडी थी, रेडी मेरी फेवरेट है यार, मतलब वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज इज रेडी। वो भी साउथ की कॉपी थी, अब ये साउथ की कॉपी है नहीं है वो नहीं पता। जो गाना है तुम पर हमें अटके, वो रिक्रिएट अच्छा किया हुआ लग रहा है। मतलब मुझे ज़्यादा रिक्रिएटेड गाने अच्छे लगते नहीं है, बट ये वाला गाना थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। इसके अलावा एक्टिंग वाइज तो ठीक ही है, एक जॉन अब्राहम रियली गुड यार। मतलब वो कॉमेडी में इतना ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आते, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत अच्छे लग रहे हैं। अनिल कपूर इज़ अनिल कपूर, मुझे वो वेलकम की याद आ गई, जो मजनू भाई का वो था ना जो फ़ोन पे लेते हैं उसकी परेश रावल, वैसा कुछ रिक्रिएट करने की कोशिश करी यहाँ पर। इतना ही था इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। सब्सक्राइब का बटन अगर नहीं दबाया तो प्लीज़ दबा के ही जाना। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बी हैप्पी बी सेफ, अपना ख्याल रखो, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखो, जानवरों का ख्याल रखो, एनवायरनमेंट का ख्याल रखो। जय हिंद जय सिनेमा।